सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। सर, पार्टी बनाने का मकसद क्या है? देखिए बहन, आपका आपके लिए, आप जैसे युवा भाई बहन जो भी हमारे हैं, वर्तमान परिदृश्य में आप देख रही हैं कि हमारी आबादी दिल देश में मतदाता के रूप में भी 70-75% है, हमारी आबादी जनसंख्या के रूप में भी 70-75% है और हमारी हिस्सेदारी नहीं है। कहीं यह तय नहीं है कि विधानसभा में मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी, लोकसभा में मेरे लिए सीट कितनी आरक्षित होगी, यह कहीं तय नहीं है। जब हम नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम जब किसी दल में होते हैं, किसी दल का झंडा उठाए रहते हैं, तो हमको तिरस्कार के नज़र से देखा जाता है, साइड रखा जाता है। क्यों भाई, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का तमगा नहीं है, मेरा बहुत बड़ा कोई आर्थिक साम्राज्य नहीं है। तो हम सभी युवा जितना दिन अपमान सहना था सह लिए, इसी अपमान से निकलने के लिए और अपनी दबी प्रतिभा को खुले मंच पे और अपना अधिकार प्रदान लेने के लिए इस दल का निर्माण किया। सर, तेजस्वी यादव हमेशा युवा की बात करते हैं, तो आप ऐसा उनके साथ रह के ऐसा क्या नहीं कर पाए जो अलग पार्टी बना के आप युवाओं के लिए करना चाहते हैं? तो आप बता दीजिए ना कि आदरणीय तेजस्वी जी कभी कहे हैं क्या, कभी कहे हैं कि युवाओं के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक 75% सीट रिजर्व हो? आदरणीय तेजस्वी जी ने कभी कहा है कि हर एक जिला मुख्यालय में, सरकार में है बनवाइए ना, हर वर्गों के लिए जिला मुख्यालय में फ्री छात्रावास, लागत मूल्य पे भोजन उपलब्ध कराने की बात कभी कोई करता है क्या? नहीं करता है। किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कभी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। करते क्या है? तितिर लड़ाना, ये जात वो पात, इधर ऊंच इधर नीच, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बात विकास के साथ, विकास कैसे होगी और कौन उस विकास का भागीदार होगा, यह तय करना। सर, कहा जा रहा है कि आपकी ललन सिंह से बनती नहीं थी इसलिए आपने पार्टी छोड़ा है, क्या कौन कह दिया? कौन कह दिया? हमारे सभी पूजनीय हैं, हमारा किसी से बिगाड़ नहीं है, हम लोग तो साधारण लोग हैं। कौन बहुत बड़े कद के हैं, कौन मंत्री विधायक हम हैं कि हमारा बनना और न बनने से किसी का बहुत बन जाएगा और बिगड़ जाएगा। हम साधारण लोग हैं, साधारण तरीके से काम करेंगे, लेकिन हाँ, मजबूती के साथ अब अपना हक लेकर रहे। सर, आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में आपकी पार्टी क्या रोल प्ले करने वाली है? हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी बिहार के 75% जो युवा मतदाता हैं उसकी पार्टी है। अब उसका क्या रोल होगा ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बातों को नहीं माना जाएगा, मेरी एजेंडों को नहीं सुना जाएगा, तो परिणाम क्या होगा देखिएगा, आप सबके समक्ष होगा। तो आपने सुना कि सर ने क्या कुछ बताया है, अमित सिंह ने सब कुछ बताया कि किस तरीके से उन्होंने जदयू पार्टी से क्यों अलग हुए हैं, क्या रीज़न था, सब कुछ बताया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।